स्थानीय जन सत्याग्रह संगठन ने अकोला जिला पुलिस अधीक्षक को वसीम रिजवी और उसके साथी गनों के खिलाफ लेखी तकरार दी है। तकरार में बताया गया है कि वसीम रिजवी नामक व्यक्ति ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम राम जन्मभूमि है। इस फिल्म में इस्लाम के बारे में गलत टिप्पणियां बताकर भारत के साथ साथ दुनिया के सभी मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और साथ ही साथ भारत की सभ्यता को जो गंगा जमुना तहजीब मानी जाती है उससे भी नुकसान पहुंचा है। काफी यूट्यूब चैनलों पर इस फिल्म का ट्रेलर मौजूद है जिसमें इस्लाम के बारे में गलत बोलते हुए कुछ किरदार दिखाई दे रहे हैं। तकरार में आगे बताया गया है कि बाबरी मस्जिद को लेकर न्यायालय में केस शुरू है और फिर भी मस्जिद और मंदिर की बात फिल्म में बताई गई है। तकरारकर्ताओं ने तकरार में शिकायत की है कि वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर यूट्यूब पर से राम जन्मभूमि के ट्रेलर को निकाल दिया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तकरार देते समय आसिफ अहमद खान, मोहम्मद इलियास, शेख आजम आदि मान्यवर पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 7 दिसंबर 2018 अकोला SP ऑफिस से एडिशनल SP साहब से हमने मुलाकात की। मुलाकात का असल मकसद ये था कि एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम राम जन्मभूमि है। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ये केस कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद में अपत्तनिक जिन्हें जो हरकतें कर रहे हैं वो फिल्म में एक समाज को जालिम बताकर एक समाज को मजलूम बताया गया है और उसके अंदर काफ़ी अपत्तनिक। तो हमने एडिशनल SP साहब से मांग की कि पहले ही तो भारत में एक राजनीतिक स्टैंड के तौर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, माहौल को गर्म करने की कंटिन्यू कोशिश की जा रही है। ऐसे देश में जहां से आज से 70 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने जो अमन का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, आज उसका उल्टा करके राजनीतिक पार्टियां अपना लोहा गर्म कर रही है और एक समाज में डर की भावना पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है उसी को लेकर हम माननीय एडिशनल SP साहब से मुलाकात किए और जो फिल्म आ रही है राम जन्मभूमि उसका विरोध करते हुए हमने सर से बात की कि इस पर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि ये एक कम्युनिटी को बदनाम करने की बहुत बड़ी कोशिश है। इससे मुस्लिम समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और इसी के लेकर हमने साहब से बात भी की कि माहौल भी गर्म हो सकता है, आने वाले टाइम में इलेक्शन है, ये पूरी प्लानिंग करके इसको रिलीज़ किया जा रहा है। इसी को लेकर हमने SP साहब से मांग की कि उस पर FIR हो और ये पिक्चर को रिलीज़ होने से पहले बैन किया जाए और इसका जो ट्रेलर YouTube पे आया है उसको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की जाए। इससे ये होगा कि जैसे ही रिलीज़ ट्रेलर हट जाएगा तो लोगों में भावना संबंध बनी रहेगी, वरना जितना वो वायरल होते जाएगा लोगों में एक गर्म माहौल बनता जाएगा और ये माहौल हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी कोशिश है। इसको रोक दिया जाए और इसको जल्द से जल्द YouTube से हटाया जाए, ये मांग हमने माननीय सर से की। इसका डायरेक्टर का नाम क्या है? इसका डायरेक्टर का नाम वसीम रिजवी है, जो कि एक बड़ी प्लानिंग है, पैसों के लिए लोग कुछ भी करते हैं, वही प्लानिंग के थ्रू ये काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं Dk5, तेलंगाना का पहला मल्टीलिंगुअल न्यूज चैनल।